वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 25 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रफुल्ल दा ने पूछा कि मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, बोध प्रवाही और कर्म बोधि स्नायु की संगति को जगाने की तरकीब क्या है, व्यापक रूप से उसे किस प्रकार पारिपार्श्विक में रूपायित किया जा सकता है। श्री ठाकुर दृप्त आवेगपूर्ण शब्दों में कहने लगे। भाव से भावपूर्ण होकर उनकी दोनों आंखें चमकने लगीं, सारे अंगों में एक अभूतपूर्व ज्योति उद्भासित होने लगी और वे कहने लगे, स्वस्तैनी के कतिपय फैक्टर्स नीतियों का पालन करो, इसके सिवा दूसरा पथ नहीं है, उससे ही सब कुछ होगा, यह अति निश्चय है। मैं निश्चय होकर कह रहा हूँ, कोई संदेह नहीं है। एक व्यक्ति स्वस्तैनी करता रहे तो वह वृहद से वृहत्तर पारिपार्श्विक के संस्पर्श में जाएगा ही, उसके आचरण एवं इम्पल्स प्रेरणा से उसके पारिपार्श्विक में भी फैक्टर्स नीतियां संचारित होंगी। स्वस्तैनी इवैल्यूएशन विवर्तन एवं बीकमिंग विवर्धन की दिशा में एक सौ पारिपार्श्विक रन गति है। इसमें फिजिकल शारीरिक कॉम्प्लेक्स वृत्ति की दिशा, फिजिकल मानस इन्वायरमेंटल पारिवेशिक मेटेरियल भौतिक आदि सभी दिशाएं समान रूप से एडजस्टेड नियंत्रित होती रहेंगी। सबों का पालन करना होगा। किसी एक नीति के पालन में त्रुटि होने पर यह समझना चाहिए कि मेरा वह पुण्य व्रत भंग हुआ है। निष्ठा सहित सर्वदा सजग होकर इस दिशा में ध्यान रखकर चलना होगा। नित्य निरख परख कर देखना होगा कि मेरे इस व्रत उद्यापन में कहाँ गड़बड़ी हुई है। उसे पुनः जागृत प्रचेष्टा से वास्तव में आचरण के समय सुधारना होगा। इस प्रकार देखते देखते एक मनुष्य छिद्र रहित पूर्ण रूप से देवता बन जाता है, उसका पारिपार्श्विक नए रंग में रंग जाता है। स्वस्तैनी की पांच नीतियों की बातें मैं पुनः कह रहा हूँ। पहला, इष्ट पूजा का यंत्र समझकर शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बनाना होगा। दूसरा, किसी कार्य में जो अच्छा प्रतीत हो उसे तत्क्षण कर्म में रूपायित कर देना होगा। तीसरा, चाहे प्रवृत्त जिस ओर ही झांकी क्यों न मारे, उस झांकी को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की दिशा में घुमा देना होगा। चौथा, पारिपार्श्विक की अस्तवृद्धि को अपनी ही अस्तवृद्धि समझ कर इष्टानुग सेवा और याजन से उच्छल और उद्वर्धित कर श्रेय प्राण कर देना होगा। पांचवा, नित्य नई नई उद्भाविनी प्रचेष्टा के द्वारा अपना आहरण बढ़ाकर जितना अधिक संभव हो उतना इष्ट के लिए निवेदन करो एवं तीसवां दिन इष्ट के निकट केवल 3 रुपये भेज दो और बाकी स्वस्तैनी के बचे हुए रुपये को कोष में जमा रखो। उसके द्वारा अस्थावर इष्टोत्तर संपत्ति बढ़ाओगे और आय का 5वां भाग तुम अपनी सेवा में ग्रहण करोगे। बाकी 4 अंश इष्टोत्तर संपत्ति की वृद्धि के कार्य में लगाओगे। सारी नीतियां पालन करने योग्य हैं, किंतु अटूट भाव से अर्घ को हिफाजत से रखकर चलाया जाए। यहाँ तक कि यदि उसे किसी खास अवस्था में भिक्षा करके भी अव्याहत रखा जाए तो उसके फलस्वरूप धीरे धीरे अन्य नीतियां भी आप से आप रूपाहित होती हैं, पर ऐसा आग्रह रहना चाहिए। अन्य नीतियों का पालन करने की चेष्टा करें, किंतु अर्घ नहीं रखें तो उससे काम नहीं बनेगा। उत्स के लिए जो कुछ है वही है डाण, यह डाण टूट जाने से सभी टूटते रहेंगे। सर्वदा ही मूल अर्ज आग्रह को ठीक रखना होगा, अन्यथा सब कुछ निरर्थक होगा, प्रतिष्ठा धीमी पड़ जाएगी। नॉलेज ऑफ टाइम, समय का ज्ञान के लिए एक्यूरेसी ऑफ टाइम एंड डेट, समय और तारीख की निर्भुलता ऑब्जर्व प्रतिपालन करने की जरूरत है। बहुत व्यक्तियों के द्वारा स्वस्तैनी प्रॉपरली ऑब्जर्व यथायथ रूप से पालन करने के फलस्वरूप कितना क्या हो सकता है यह कहा नहीं जा सकता। स्वस्तैनी के बचे हुए अर्घ से कितने स्वस्तैनी स्टेट उठ खड़े होंगे, किसी हिसाब विशारद ने इस व्रत को विप्लवी अर्थनीति कहा है। किसी विशेष संकट काल में स्वस्तैनी के स्टेटों की वार्षिक आय के 4 भाग के 5वां अंश लिए जाएं तो टैक्स कर लगाना नहीं पड़ेगा। इष्ट और जनकल्याण कार्य के लिए वह अथाह संपदा के रूप में बना रहेगा। देश में कोई हाहाकार नहीं मचेगा, जगत अमृतमय हो जाएगा।
सभी के मर्म स्थल को आलोड़ित करते हुए आग्रह आवेग से शिशि ठाकुर बातें करते जा रहे हैं। बातें शेष होते ही सहज भाव से प्यार भरे शब्दों में उन्होंने कहा, प्यारे चरण तंबाकू पिलाओ। प्यारे दाने तंबाकू भरकर गड़गड़े के नैचे को उनके हाथों में थमा दिया। शिशि ठाकुर पीते हुए प्रसन्न चित्त से प्रीति प्रसंग भंगिमा में सभी की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखने लगे। उनकी मधुमय दृष्टि सभी के हृदय में अमृत संचार कर रही है। सभी के हृदय का कोना कोना भर उठा है। किसी को कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। सभी आनंद से स्तब्ध हैं। धीरे धीरे अरुणोदय हुआ। शिशिर श्रात बालू की रेत चमक उठी। बबूल नीम और मौलसरी के फुनगियों पर सुनहली किरणें छिटक रही हैं। शिशि ठाकुर के निकट लोगों की भीड़ जम चुकी है। अबाल वृद्ध वनिता इस शुभ प्रभात में आकर उन्हें प्रणाम करते हैं और समवेत प्रार्थना में शामिल होकर दिन यात्रा की शुभोत्सवमय बनाते हैं। तत्पश्चात महापुरुष और संगोपांग के आविर्भाव के विषय में चर्चा चली। शिशि ठाकुर जी ने कहा, आवश्यकता अनुसार एक एक ज्योतिष मंडली पहले और बाद को लेकर उदित होते हैं। जब महापुरुष आते हैं उनके प्रति अनुरक्त संगोपांग भी आते हैं। इन संगोपांग के कार्य ही होते हैं उस महापुरुष के मिशन जीवनोद्देश्य को वास्तविक रूप में रूपायित करना। महापुरुषगण जो पदांग रख कर जाते हैं वही होता है मनुष्य के चलने का भविष्य पथ। जो सांगोपांगो संगी साथी लोगों में जितना अच्युत निष्ठा संपन्न आचरण सिद्ध लोक हृदय को आदर्श के प्रति आकर्षित करते हैं वे देव दीप्ति से उतना ही दीप्तमान हो उठते हैं। इन लोगों की बातें स्मरण कर मनुष्य भरोसा पाता है, प्रेरणा पाता है और पाता है जीवन। तत्पश्चात शिशि ठाकुर उठकर शौचालय गए एवं श्रीयुत किशोरी दा की परिचालना में मातृ मंदिर के बरामदे पर समवेत विनती प्रार्थना आरंभ हुई। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पेज संख्या 153 से 156 तक। जय गुरु।